समझा करता हूँ मैं तुझसे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ज्योति बजवाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, अभी थोड़ा ब्लॉग मेरा लेट शूट हो रहा है, अभी 1:20 बजे, क्योंकि सुबह से नहाना धोना, मोनी गोलू ने नहा धो ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब दिन के लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। थोड़े गेस्ट आने वाले हैं तो हमने आप ब्रेक तो मैंने सोचा आप ब्रेकफास्ट मेहमान आने वाले थे तो मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आज लंच उन्हीं के साथ करेंगे। तो अभी इसके पापा थोड़ा मार्केट से जाके सामान भी ले आए हैं। और गाइस, मैंने ना कल पर्दे मंगाए हैं, ये देखिए। तो हल्के पर्दे हैं, थोड़ा उजाला आ रहा है तो अच्छा भी लग रहा है। और अब मैंने पर्दे बाहर लगवा दिए हैं, यहाँ पे के लिए भी मंगाऊंगी। तो अब मैंने नहा लिया है, इसके पापा नहा रहे हैं और वो लोग भी आने वाले हैं, तो जल्दी से मैं तैयारी कर लेती हूँ। अब तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस, कल का जो ब्लॉग था वो मेरा पूरा नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा हम बिजी हो गए थे गेस्टों के साथ और वीडियो बनाना थोड़ा ऐसा रह गया क्योंकि फ़ोन ना मोनी के पास था और मुझे मतलब मैं भूल जैसा गई थी कि मुझे ब्लॉग भी बनाना है। और यहाँ पे गोलू ने सांस खा लिया है। हाय गाइस, बोलो हाय, बोलो बोल लो मोनी, हाय बोलो बेटा। सब बता दे रही है। तो मैं आज बना रही हूँ पुलाव। बाहर मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, बारिश भी हुई है हमारे वहाँ नोएडा पे। तो गाइस, मेरे हस्बैंड की 4 दिन की छुट्टी पड़ी थी, 4 दिन की। हाँ, उसमें इन्होंने बोला था कि कहीं घूमने जाएंगे, पर मैंने ही मना करा था कि गांव जाने का मन था, लेकिन अभी इतना ठंडा हो रहा है कि कहीं जाने का इतना मतलब नहीं है, कहीं ठंडा ही हो रहा है और बच्चे हमारे थोड़े छोटे हैं इसीलिए। तो एक जगह आज जाने की सोची थी हमने, वो मैं अभी बताऊंगी नहीं, वो मैं जब जाएंगे हम तभी आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर वहाँ जाते ना तो मतलब दिल खुश हो जाता, और आप लोग को मैं वहाँ के लिए एडवाइस करती कि आप लोग भी जाए, अच्छा मन लगता। लेकिन खैर, हम गए नहीं तो उसके बारे में अभी बताना भी आपको मतलब ज़रूरी नहीं है। अभी जब जाएंगे उसके बारे में तब जाके मैं बताऊंगी कैसा है क्या है। तो आज अभी तो ऐसे ही है। मेरा ना शैम्पू भी ख़त्म हो रहा है, मतलब जो ये बाल क्या बोलते हैं इसको, स्मूथनिंग कराया है ना, तो उसका जो शैम्पू होता है वो अभी ख़त्म हो रखा है। और ये आ गए हैं सुबह खेल के, आज क्रिकेट खेल के आए हैं। तो सुबह सुबह हम तो सोए थे, ये तुम कितने बजे गए थे? 7 बजे निकल गए थे, 7 बजे निकल गए थे, हम तो 9-10 बजे उठे थे। और बच्चों की नींद पूरी रहती है। भैया को हाय कर दो वहाँ पे सबको। हाय 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 गाइस, हाय हाय राइट राइट राइट। मेरा नाम है, तुम कितने में पढ़ती हो बताओ? नहीं तू ज्योति है, बताओ ना कितने में पढ़ती हो तुम? नहीं मैंने नहीं पता, इसको नहीं पता है अभी। तू प्ले स्कूल में पढ़ती है? वो पाँव लगाने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ जाएंगे, वैसे भी जाने का मन कहीं नहीं है, तो छुट्टी है वैसे भी। कल से तो इनका ऑफिस है अब, और बारिश हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुई है। तो गाइस, मैं सोच रही हूँ ब्लॉग तो मैं करूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ आप लोग इंटरेस्ट नहीं हो तो मैं कुकिंग का ब्लॉग शूट करूँगी, थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश करूँगी ब्लॉग पर। तो चलिए गाइस, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए गाइस, बन गया है पुलाव, ये मेरा है, ये मेरे हस्बैंड का है, और ये मूली काटी हुई है, और ये अचार है, और ये पुलाव देखिए, इसमें मैंने आलू, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च,
जीरा का तड़का लगाया हुआ है और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड अभी बज गए हैं शाम के साथ और मैं पढ़ा रही हूँ, मोनी को पढ़ाने की हो रही है तैयारी। मैं कहाँ बैठूं? मैं लाओ दिखाओ ना तो जरा, रेजर कहाँ है? अभी तुम्हारे हाथी में तो था। नहीं बोल दे, नहीं नहीं नाम कह दिया। आ आ पढ़ 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 पढ़